के पीछे पीछे भाग रहे हैं। बेटा रुक जाओ, पुत्र जरा रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। और व्यास देव जी की आवाज सुनकर वृक्षों से भी प्रतिध्वनि आ रही है। सारे पेड़ पौधे महाराज बोल रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। अरे कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता? न जाने कितनी बार मैं आपकी संतान हुआ हूँ, न जाने कितनी बार आप मेरे पिता हुए हैं, और कभी कभी विपरीत भी हुआ है। इसीलिए आत्मा तो देखते हैं, ये शरीर बदलता रहता है। कभी मैं आपका बेटा था, कभी आप भी मेरे बेटे बने हैं, कोई इसका पुत्र नहीं। प्रतिध्वनि आ रही है, मानो वृक्ष भी कह रहे हैं व्यासदेव जी को, ये कोई साधारण पुत्र नहीं है। चले गए जंगल में, चले गए ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, भगवान को निराकार मान के, ज्योति स्वरूप मान के, और उसका ध्यान कर रहे हैं। व्यासदेव जी महिमा ग्रंथ मैंने रचना करी, लेकिन इसे मैं सुनाऊं किसे? इसके श्रवण कर चेले प्रश्न करने लगे कि जंगल में तो बहुत सारे तोते हैं, अरे आपका तोता हम कैसे समझेंगे? बड़ी चिंता मत करो, मैं तुम चारों को एक एक मंत्र सिखा रहा हूं। ये मंत्र जाकर तुम उच्चारण कर वो मंत्र का गान कर रहे हैं। सबसे पहला चेला जो था उसको वेदव्यास जी ने सिखाया कृष्ण कितने सुंदर रहे थे। बड़े ध्यान से सुनिए, कृष्ण क्या सुंदर स्वरूप है, कृष्ण का, कृष्ण कितने सुंदर है। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो
बोले जहां पर लक्ष्मी साक्षात द्वारे लगा रही है, लक्ष्मी जहां पर हाथ जोड़कर तपस्या करती है, एक नहीं अनंत अनंत लक्ष्मी वहां पर झाड़ू लगाती है, ऐसा ब्रज धाम है। वहां के वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं, वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष है। ब्रज धाम की महिमा को शब्दों द्वारा वर्णन ही नहीं कर सकते। अरे लक्ष्मी जहां पर साक्षात विराजमान हो, ऐसा धाम की क्या महिमा और बाकी रह जाएगी। इसीलिए जन्म नाम ब्रज के बच्चों को खेलने, एक व्यक्ति वहां पर रह गए, ये बच्चों को खेलने नहीं दे, कोई व्यक्ति उधर बैठे। वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए कृष्ण रहते हैं ब्रज धाम में, जिस ब्रज धाम में शंकर जी द्वारपाल रूप में है, लक्ष्मी जहां पर झाड़ू लगाती है, अनंत अनंत लक्ष्मी वहां पर सेवा करने के लिए लालायित है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ ब्रज धाम है। उदाहरण लेकर बता रहे हैं, मानो घर में जवान लड़की है, उसके लिए कोई बढ़िया दूल्हा देखना है, पहले हम क्या देखते हैं? बोले भैया लड़का देखने में कैसा है, देखने में बड़ा सुंदर होना चाहिए, है ना। देखने में अगर सुंदर नहीं गया तो भैया घर बार कैसा है, परिवार कैसा है, कैसा तो नहीं कंगाली घर में, बेटी को बियाएंगे और बेटी वहां जाकर रोटियों के लिए मुंह देखे इधर उधर, भूखी तो नहीं मर जाएगी, घर में पैसा दौलत फैली नहीं। हाँ भैया ब्रज धाम लक्ष्मी जहां साक्षात है, घर भी बड़ा बढ़िया है। अच्छा ये बताओ परिवार में कौन कौन है? ऐसा तो सास बहुत लड़ाकू है, जेठ हमेशा कलेश मानता रहता है, इसीलिए परिवार कैसा है? परिवार के विषय में अभी तीसरा चेला तीसरा श्लोक कहने लग गया। बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं कृष्ण उनका घर भी साधारण नहीं, उनके परिवार वाले भी साधारण नहीं। क्यों? बोले उनके माता का नाम है यशोदा। क्या नाम है? क्या नाम है जोर से बोलो, यशोदा। यशोदा मतलब जो सबको यश प्रदान करे, सबको जो ख्याति प्रदान करे, ऐसे है भैया यशोदा। बोले पिताजी का नाम? पिताजी का नाम नंद, आनंद इति नंद, जो सबको आनंद में रखे, खुद भी आनंद में रहे, सबको भी आनंद प्रदान करे, ऐसा है नंद। बोले जेठ भाई, भाई है दाऊ दयाल, दाऊ दयाल, बड़े ही दयालु बड़े ही कृपालु, इसीलिए घर बार भी बहुत बढ़िया है, परिवार भी बहुत बढ़िया है। बोले ठीक है, लड़का देखने में सुंदर है, परिवार भी बहुत अच्छा है, घर भी धन धान्य से भरा पड़ा है, लेकिन ऐसा तो नहीं शराब पी के आता हो, बड़ा ही लड़ाकू स्वभाव हो। स्वभाव कैसा है सबसे मुख्य चीज है। मानो लड़का देखने में बड़ा सुंदर है, पैसा भी बहुत है, घर भी बढ़िया है, लेकिन अगर लड़ाकू होगा उससे हम बेटी देंगे शादी करेंगे? नहीं करेंगे ना। स्वभाव कैसा है? अरे जिसके साथ में पूरा जीवन निकालना है, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी तो बढ़िया होना चाहिए। स्वभाव के विषय में चौथे चेले ने चौथा श्लोक बोल दिया। क्या कहता है? अहो बकियम स्तनकाल कूटम प्रभु ने क्या किया? धात्री उचितम, उसको धाइमा की गति प्रदान कर दी, धाइमा के समान उसे गति प्रदान कर दी। देखो यहां बता रहे हैं भैया, भजन करना हो तो केवल मात्र कृष्ण का करो, कृष्ण जैसे दयालु, कृष्ण जैसे कृपालु और कोई भी नहीं है। पूतना जैसी राक्षसी कृष्ण को मारने के लिए आई, लेकिन प्रभु ने उसका कोई भी अवगुण नहीं देखा, कोई भी अवगुण नहीं देखा, केवल मात्र उसने दो मिनट के लिए जो नाटक किया था, मां बनने का जो नाटक किया था, उसी को ग्रहण कर लिया। इसीलिए गुण अवगुण प्रभु देखो ना राव, जो जिस भाव से आया था, मां के भाव लेकर आई है, दो मिनट के लिए बस छलना करी है, उसको भी धाइमा की गति प्रदान कर दी, इतना सर्वश्रेष्ठ। इसलिए भजन करना हो तो हमारे कृष्णचंद्र का करो, प्रभु राम का करो, और अन्य अन्य देवी देवताओं का यदि भजन कर रहे हो, थोड़ी सी भूल त्रुटि हुई, थोड़ा सा इधर का उधर हुआ, उल्टा फल भोगना पड़ेगा।
विपरीत फल मिलेगा। लेकिन कृष्ण हम कहते हैं ना त्वमेव माता च त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, वो हमारे माता पिता है, वो हमारे परम सूहृद है। कृष्ण का अगर भजन किया कोई भूल त्रुटि भी अगर हो गई तब भी प्रभु उसको ग्रहण नहीं करेंगे, केवल मात्र गुण गुण देख देख कर और हमारे अपने धाम में ले जाएंगे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने जब ये चार श्लोक सुने, चौथा श्लोक सुनते ही तो वो हाथ उठाकर दौड़ने लग गए, दौड़ने लग गए, बोले मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, अपने गुरु जी के पास ले चलो। गंगा दयालु शरणम व्रजेम, इनके समान दयालु और कौन होगा, मुझे वही कृष्ण का चरित्र श्रवण करना है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी समान श्रोता सुखदेव गोस्वामी उसी समय पर वहां पर उपस्थित हुए हैं और वेद व्यास जी ने ये दिव्य ग्रंथ उनको पढ़ाया। अभी प्रश्न करते हैं, वहां के जो भक्ता श्री जो कथा श्रवण कर रहे हैं परीक्षित महाराज, उनके बारे में भी कुछ बताइए। अरे साधारण किसी का अगर कुछ छोटा मोटा बिजनेस होता है उसके पास में भी समय नहीं होता, लेकिन परीक्षित महाराज वो तो राजा थे, उनके पास में 7-7 दिन का समय कैसे हुआ, वो हम लोग श्रवण करेंगे। पहले एक भजन श्रवण कर लेते हैं। मन बस गयो नंद किशोर, अब जान नहीं हो I'm not afraid of the dark.
अभी बता रहे हैं महाभारत में जिस समय अंतिम युद्ध होगा, महाभारत युद्ध देखा है ना, महाभारत युद्ध में सबने हमारे साधु लोग वर्णन करते हैं, कभी कभी घर में भी हमारे महाभारत हो जाते हैं, होती है ना। देखो मूल महाभारत जो हुई थी, महाभारत का क्या कारण था, महाभारत के दो कारण थे। एक तो दुर्योधन की इच्छा थी कि सारी संपत्ति मुझे मिले, इसलिए युद्ध हुआ, महाभारत हुआ। दूसरी बात, द्रौपदी उसने केवल मात्र इतना कह दिया कि अंधे का बेटा अंधा। जिस समय पर दुर्योधन मायावी नगरी में जब उनके महल में आया, उस समय पर पानी जल के स्थल स्थल के जल उसको भ्रम हो गया और जाकर पानी में गिर पड़ा। द्रौपदी ने उसी समय पर उपहास किया, मजाक उड़ाया। हमारे घर में भी देखो अगर महाभारत होती है तो उसका मूल कारण यही होता है। कभी कभी ये जीवा ये थोड़ी सी स्लिप हो गई, कुछ ज्यादा बात नहीं, केवल मात्र बस जीवा से थोड़ा सा इधर उधर बोल दिया और घर में महाभारत तू मैंने चालू हो जाती है। या फिर लड़ाई किस लिए होती है, बोले ये लालच, सारी संपत्ति मुझे मिले, पिताजी की सारी संपत्ति मेरे को मिले, ये जो लालच है इसके कारण भी घर में लड़ाई होती है, महाभारत होती है। देखो कितना विराट युद्ध हुआ, कितनी अक्षौणी सेना वहां पर सारे के सारे मृत हुए। इसीलिए वर्णन कर रहे हैं, घर में अगर सुख शांति रखना चाहते हो तो इन दो चीजों को नियंत्रित करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो जवान ज्यादा मत चलाओ, जवान ज्यादा मत चलाओ। ये जिह्वा ऐसी एक चीज है, जिह्वा के द्वारा अगर आप इसका सदुपयोग करो गले में माला पड़ेगी, और इसका थोड़ा सा दुरुपयोग करो तो गले पड़ेंगे, है ना। ये जिह्वा ही किसी को पूजनीय बना देती है और किसी को इतना निकृष्ट बना देती है कि सड़क पे डर डर होकर खाता है। इसीलिए सोच समझ के जिह्वा चलाओ। ज्यादा अगर बकर बकर करने की आदत है भैया माला लेकर हरिनाम करो। ये जिह्वा इसलिए थी, ठाकुर ने संसारी बातें करने के लिए जवान दी थी। भागवत में इसलिए वर्णन आया है, जिह्वा असती लाडुलिंगे वसुतम न च उपगायति उरुगाय गाथा। कहते हैं इस जिह्वा का सदुपयोग किसमें है, बोले भगवान का भजन यदि किया, ठाकुर जी का नाम यदि ले लिया, ठाकुर जी का नाम लिया तब तो जिह्वा ये सती है। लेकिन वैश्या होती ना, वैश्या सुना है ना, वैश्या क्या करती है, कई पुरुषों के साथ में संग करती है, उसका कोई खुद का पति नहीं होता। अगर हम इस जिह्वा से परम पति परमेश्वर भगवान कृष्ण का राम का कीर्तन नहीं कर रहे हैं तब हमारी जिह्वा भी वैश्य सदृश होगी। ये जिह्वा असती हो गई, ये सती नहीं रही, ये जिह्वा आपको दी है भगवान का कीर्तन करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए। वो छोड़ के अगर संसार की बातों में लगाओगे ना भैया, सावर में देखना मेंढक कैसे टर टर करता है, देखा है ना, पीछे से सांप आके और निकल लेता है ना। हम भी अगर इस जिह्वा से टर टर कर रहे हैं पूरे दिन पर संसार की बातें कर रहे हैं, भैया कालरूपी सर्प तैयार बैठा है, कब आकर ग्रास कर लेगा पता नहीं चलेगा, जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। मानव जीवन के नाम में सर्वश्रेष्ठ जन्म प्राप्त हुआ है, ये जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण बोल बोल के अपना जीवन धन्य कर दो। किसी कुत्ते गधे को बोलो कभी कभी राम कभी भी राम कृष्ण नहीं बोल पाएगा, बोल पाएगा। आप लोग जिस तरह से यहाँ अगर सत्संग श्रवण कर रहे हो, किसी पशु के लिए ये संभव है नहीं, केवल मात्र मानव जीवन में संभव है। इसीलिए महाभारत से शिक्षा लेनी चाहिए, जिह्वा को बड़ा सोच समझ कर व्यवहार करो, और दूसरा लालच नहीं करना चाहिए। संपत्ति जैसा खाते में होगा वो मिल ही जाएगी, उसके लिए कूटनीति करके और छलना करके किसी और का बुरा भला करना ठीक नहीं। इसे वर्णन आता है जिस समय पर दुर्योधन और भीम उनका अंतिम युद्ध गदा युद्ध हुआ, गदा युद्ध में कृष्ण के इंगित अनुसार भीम ने क्या किया, दुर्योधन के जंगा पर प्रहार किया, और जंगा पर जैसे ही प्रहार किया वो तो बचता नहीं था, वहां पर उसे आघात हुआ और पराजय होकर वो भी रणभूमि में पड़ा हुआ है। इतनी दयनीय स्थिति है, पूरा शरीर क्षतविक्षत हो रहा है, पैर टूटे पड़े हैं, केला का वृक्ष जैसे काट को नीचे गिर पड़ता है ना, वैसे ही आज दुर्योधन की स्थिति है। अपनी गदा पास में पड़ी हुई है, उसको घुमा घुमा कर किसी प्रकार अपनी रक्षा कर रहा है। संध्या का समय जब हो गया, उस समय पर चील कौवे बाघ सब आकर उसका मांस नोच नोच कर खा रहे हैं।
लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा। पड़े हुए पत्थरों को उठा उठा कर फेंकता है, कभी गदा चलाता है, लटका हुआ पर सड़ रहा है गढ़भूमि के अंदर। उसी समय पर आया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने देखकर कहा, बोले देखो दुर्योधन, अगर तुमने मुझे सेनापति बना दिया होगा तो आज तुम्हारी यह अवस्था नहीं होती, लेकिन तुम्हें विश्वास था द्रोणाचार्य पर, तुम्हें विश्वास था भीष्म पितामह पर, तुमने उन्हें सेनापति पद में नियुक्त किया, इसलिए आज तुम्हें ये भोग देखना पड़ रहा है। अंतिम समय पर अभी भी तुम्हारी यदि कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मित्र हूं, निश्चित रूप में पूर्ण करूंगा। दुर्योधन ने उसी समय पर अपने रक्त द्वारा उसको तिलक कर दिया, कहा मैं तुम्हें अभी मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं और तुम जाओ। हम 100-100 भाई थे लेकिन हम सारे के सारे मारे गए, पंच पांडव पांच होने पर भी एक भी मरा नहीं। मैं चैन की मृत्यु मर जाऊंगा अगर मरने से पहले एक पांडव का सिर कटक काट के मुझे ला कर दे। देखो दुष्ट की कैसी बुद्धि है, मर रहा है लेकिन मरने पर भी दूसरे का अनिष्ट सोच रहा है, दूसरे का बुरा सोच रहा है। अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र लेकिन आज क्षत्रिय रक्त से तिलक लगाकर गया है, पूर्ण रूप में अमंगल। जब जा रहा है शिविर के पास में पहुंचा, बुद्धि खराब हो गई। जिस प्रकार नियम है, देखो सोते हुए योद्धा को कभी मारना नहीं चाहिए, लेकिन पंच पांडव के शिविर में पांच पांच पुत्र सोए हुए थे, द्रौपदी के पांच पुत्र सोए हुए थे, देखने में एकदम पांडवों जैसे। अश्वत्थामा ने भीतर प्रवेश किया और पांचों के गले काट लिए। पांचों के मस्तक लेकर दुर्योधन के पास में आया है, बोले देखो मित्र, तुम जो पूरी महाभारत युद्ध में नहीं कर पाए मैंने आज संभव कर दिया। एक पांडव की मृत्यु देखना चाहते थे, मैं पांच पांडव के सिर तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। दुर्योधन कहने लगा, मुझे भीम का मस्तक दो। भीम का मस्तक जैसे हाथ में लेकर और थोड़ा सा दबाया, दबाते ही तो चूर चूर हो गया। दुर्योधन अत्यंत दुखी हुआ, बोले ये कभी भी संभव नहीं हो सकता, भीम का पूरा शरीर वज्र के समान है, उसका मस्तक इतनी साधारणता चूर्ण विचूर्ण हो जाए, कभी संभव नहीं। जैसे ही उसी समय पर बिजली कटी, देखा वो पंच पांडव नहीं उनके पुत्र थे। देखने मात्र से अत्यंत दुखी होकर और अश्वत्थामा को गाली देने लगा, बोले रे दूत, अरे तूने ये क्या किया, पंच पांडव के पुत्र यदि रहते तो निश्चित रूप में हमारा श्राप इत्यादि कर देते, हमारी शत्रुता पांडवों से थी उनके पुत्रों से नहीं, तूने क्यों उन्हें मार दिया, गलत कर दिया, जा चला जाए यहां से, मैं तेरा सूरत भी नहीं देखना चाहता। अत्यंत दुखी होकर दुर्योधन ने उसी समय पर प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा लेकिन विचार कर रहा है, अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वहीं से भागने लगा। अर्जुन ने जैसे ही शिविर के अंदर आकर देखा, पांच पुत्रों का मृतदेह, सर भी नहीं केवल मात्र धड़ धड़ पड़ा हुआ है। द्रौपदी तो छाती माथा पीटते पीटते रोने लग गई, किसने मेरे पुत्रों की ऐसी अवस्था कर दी। अर्जुन उसी समय पर ललकार करते हुए कहता है, बोले चिंता नहीं, अरे जिसने तुम्हारे पुत्रों की ऐसी अवस्था करी है मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, संध्या से पहले उस पापी का सर में लेकर आऊंगा, उसी के ऊपर बैठकर तुम हमारे पुत्रों का तर्पण करना। अर्जुन उसी समय पर लेकर निकल गया है अपना रथ, कृष्ण जहां पर साथी है अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पशु की भांति गले में बांस डालकर और घसीटते हुए लेकर आए हैं। शिविर में द्रौपदी पंच पांडव कुंती देवी सभी उपस्थित है, अश्वत्थामा एक पापी की तरह सामने खड़ा हुआ है, आतंकवादी रूप में जा विराजमान है द्रौपदी, लेकिन उसी समय पर आकर और अश्वत्थामा के चरण स्पर्श करती है। सब देखने वाले आश्चर्यचकित हो रहे हैं, अरे जिस मां के पांच पांच पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा हो, सिंहनी की भांति उसे प्रहार करके और मार देना उचित है, लेकिन ऐसी माता ऐसे हत्यारे को जाकर प्रणाम कर रही है, ये कहां का न्याय है, ये क्या हो रहा है आज सभा में। सब देखकर अत्यंत आकर्षित आश्चर्यचकित हो रहे हैं, प्रश्न करने लगे, बड़े द्रौपदी ये ही तुम्हारे बेटों का हत्यारा है, तुम कहां इसके चरण स्पर्श कर रही हो। बोले ये बेटों का हत्यारा तो है लेकिन ये ब्राह्मण भी है, ये गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र साक्षात गुरुदेव के समान ही होता है। मैं मेरे आज पांच पांच पुत्र मर गए हैं लेकिन फिर भी मेरे पति अभी जीवित हैं,
इसके अगर मैं इसे मार दूं, अगर तुम्हारे द्वारा इसकी हत्या हो जाए, इसकी मां कृपि उसका तो पति भी नहीं और पुत्र भी मर जाएगा। पुत्र वियोग इस प्रकार दुख नहीं होता है मैं जानती हूँ, और मैं ऐसा ही दुख कभी भी गुरु माता को देना नहीं चाहती, इसीलिए इसे मत मारो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। मुच्छता मुच्छता महेश्वर कहने लगे इसे छोड़ दो। भीम से उसी समय पर आ गया था, कहने लगा बोले तुम नहीं मारो तो मैं मार दूं। कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, बोले देखो अर्जुन, आतताई का वध करना निश्चित रूप में ठीक है, लेकिन ब्राह्मण पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए। अर्जुन मन ही मन विचार कर रहा है, अरे ओ न्यायाधीश, क्या तुम मुझे उपदेश दे रहे हो या आप मेरी बुद्धि को बिगाड़ रहे हो? एक तरफ कहते हो कि आतताई को छोड़ो मत मार दो, दूसरी ओर कहते हो कि ब्राह्मण पुत्र है मारना नहीं। युधिष्ठिर महाराज सभी वहां पर उपस्थित थे, कोई कहता है मार दो, कोई कहता है छोड़ दो छोड़ दो। अभी अर्जुन उसी समय पर विचार करने लगा कि केवल मात्र जान से मार देना ही मृत्यु नहीं होता, सम्मानित व्यक्ति को यदि लज्जित कर दिया जाए, उसके अपमान कर दिया जाए, तो वो भी मृत्यु तुल्य होता है। अश्वत्थामा के सर पर जो मणि थी वो मणि निकाल ली, उसके सर को मुंडन कर दिया, पांच चोटी रखकर और वहां से पशु की माती उसको खदेड़ते हुए वहां से भगा दिया। इतना अपमानित किया, इतना लज्जित किया कि अश्वत्थामा ने सोचा मैं प्रतिशोध लूंगा, मैं बदला लूंगा, और इसीलिए आज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। पांच ब्रह्मास्त्र पंच पांडवों के लिए और एक ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जो पांडवों का अंतिम वंशधर है उसके लिए प्रयोग किया। जैसे ही उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का ताप लगने लगा, उत्तरा तो दौड़ी दौड़ी आई। कृष्ण अभी पैर रखकर रथ के ऊपर विराजमान होने ही जा रहे थे, द्वारका की ओर गमन करेंगे, लेकिन उत्तरा ने आकर साथ साथ में ही पैर पकड़ लिया। पाही पाही महायोगे देव देव जगतपते, हे प्रभु पाही माम आप रक्षा कीजिए, आप ही एवं आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, मेरे गर्भ में जो संतान है ब्रह्मास्त्र के तेज से जली जा रही है, आप उसकी रक्षा कीजिए। कृष्ण कहने लगे कि अभी बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ और इतनी आसक्ति। उत्तरा मानो उत्तर देती है, बोले नहीं प्रभु, ये मेरा संतान है इसके कारण आसक्ति नहीं, पंच पांडव की अंतिम धरोहर है, अभिमन्यु का पुत्र और केवल मात्र ये ही पंच पांडव का अंतिम वंशज है, इसीलिए इसकी रक्षा कीजिए, आपका भक्त है, आपके भक्त को यदि मर जाएगा तो कलंक आपको ही लगेगा, मैं नहीं चाहती आपका ये अपयश सर्वत्र फैल जाए, इसलिए आप इसकी रक्षा कीजिए। भगवान तो भक्त वत्सल है, उसी समय पर सूक्ष्म रूप धारण करके और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, अपने शंख को लेकर परीक्षित महाराज को ऊपर आवृत कर दिया, कमल के ऊपर साक्षात परीक्षित महाराज को विराजमान किया, सुदर्शन चक्र से सुदर्शन चक्र को आदेश दिया तुम सर्वत्र भ्रमण करके और ब्रह्मास्त्र के तेज को निस्तेज कर दो, और स्वयं भी गदा चला चला कर ब्रह्मास्त्र के तेज को निस्तेज कर रहे हैं। यदि कोई प्रश्न करे, भगवान का तो एक एक आयुध ही अमोघ है, कभी भी एक आयुध प्रयोग करने पर भी विफल नहीं होगा, चारों के चारों आयुध प्रयोग करने की क्या आवश्यकता थी? कहते हैं भक्त वत्सल भगवान के हृदय में इतनी करुणा आ गई है, कहीं ऐसा ना हो शंख यदि फेल हो जाए तो उनका पद्म फूल है, अगर पद्म फेल हो जाए तो चक्र है, चक्र भी यदि फेल हो जाए तो मैं स्वयं गदा गुहा घुमाकर रक्षा करूंगा, मेरे भक्तों को कभी विपत्ति नहीं आनी चाहिए, मेरे भक्तों को कभी हानि नहीं होनी चाहिए। परीक्षित महाराज ने उसी समय पर अपनी नन्ही नन्ही आंखों में खोलते हुए कृष्ण का दर्शन किया। ब्रह्मास्त्र तो परीक्षित महाराज के शरीर को मार चुका था, लेकिन तब पर भी उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया, इसीलिए उनका एक नाम है विष्णुराग। भगवान ने साक्षात उन्हें जीवन प्रदान किया है, इसीलिए परीक्षित महाराज का इस तरह से जन्म हुआ। जन्म के साथ साथ ही सबकी परीक्षा कर रहे हैं, जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिया था क्या वो यही है? सबकी परीक्षा करने के कारण उनका नाम हो गया परीक्षित। बोलो श्री परीक्षित महाराज की। एक समय परीक्षित महाराज जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने राजत्व संभाला,
और राजा को संभाल कर आज जब राजा भ्रमण के लिए निकले हैं, उन्होंने देखा एक गैया और एक बछड़ा, वो दोनों बात कर रहे हैं, साधारण तो बात करते हुए जा रहे हैं। गैया लेकिन अत्यंत दुखी है, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, मलमूत्र को परित्याग कर रही है, और जो बछड़ा था उसके तो तीन पैर टूटे हुए हैं, केवल मात्र एक पैर पर बड़े कष्ट से खड़ा था, और वो भी अत्यंत दुखी है। और एक शूद्र वो हाथ में तलवार लेकर और उस चौथे पैर को भी काटने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। परीक्षित महाराज देखकर तो बड़े दुखी हुए, इतना क्रोध आया, मयान से तलवार निकालकर और शूद्र को मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मारने के लिए पहुंचे हैं, उपस्थित हुए हैं, वो तो शरणागत हो गया। बछड़े को तो मारना क्यों चाह रहे हो? इन तीनों ने अपना अपना राजत्व किया, लेकिन अभी मेरा राज्य आने वाला है, मैं साक्षात कली हूँ, और आपने तो सभी को स्थान प्रदान किया है, मुझे भी स्थान प्रदान कीजिए। तुम ये बताओ, ये गैया और बछड़ा कौन है, और इसे तुम मारना क्यों चाह रहे थे? गैया से प्रश्न करने लगे, तुम कौन हो? गैया कहती है कि मैं पृथ्वी हूँ। भगवान जब इस धरा धाम पर विराजमान थे, मैं बड़ी ही आनंदित थी, उनके चरण स्पर्श प्राप्त करके मेरा रोम रोम खिल जाता था, मेरे आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगते थे, लेकिन आज ऐसा समय आ गया है, कलयुग के आने पर कोई सदाचार संपन्न नहीं, सब अधर्म में लगे हुए हैं, और मैं अत्यंत दुखी हूँ, इसीलिए प्रणन कर रही हूँ। बछड़े से प्रश्न करने लगे, बोले तुम कौन हो? बछड़ा कहने लगा, मैं धर्म हूँ। बोले तुम्हारे तीन पैर कैसे टूट गए, और ये अंतिम पैर को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है? बोले हाँ, ये कली है साक्षात, और ये कलियुग के अंदर कोई भी धर्म रहने नहीं देना चाहता, इसीलिए चारों पैर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कलियुग को यहाँ पर परीक्षित महाराज विचार कर रहे हैं, क्या करें या क्या ना करें, लेकिन देखो यहाँ पर एक शिक्षा का विषय है, ये धर्म ने अपने कष्ट के लिए किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं किया। धर्म ने ये नहीं कहा कि कलियुग के कारण मेरी अवस्था है, धर्म केवल मात्र ये कहता है कि अपने कर्मों के अनुसार मेरी अवस्था आज हो गई। हम भी लेकिन क्या करते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में कभी कोई दुख कष्ट आए तो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना लग जाते हैं, तेरे कारण ये हुआ, तूने ऐसा करके इसलिए आज मेरे को दुख मिला है। हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, दूसरों की निंदा चर्चा में लग जाते हैं, लेकिन नहीं सचिन, शास्त्र कहता है हमें हमारे जीवन में जो भी दुख कष्ट मिलता है, जो भी परेशानी आती है, वो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार ही है। कोई किसी को दुख देता नहीं, कोई किसी को सुख प्रदान कर नहीं सकता, अपने कर्मों का लेखा जोखा है भोगना ही पड़ेगा। किसी की निंदा करके, किसी की चुगली करके बेवजह समय नष्ट मत करो, दूसरों के ऊपर दोषारोपण भी मत करो। एक स्टोरी सुनिए बड़े ध्यान से। एक समय पर एक राजा के दरबार में कोई साधु आया, साधु ने जब भिक्षा मांगी तो राजा उन्हें भिक्षा ना देकर और उनकी निंदा करने लगे, बोले हट्टे कट्टे हो, संत बन गए, साधु बन गए, मुंह बढ़ा के और जगह जगह पर भिक्षा मांगते हो, कमा कर नहीं खा सकते। राजा ने दुखी होकर क्या किया, उनके झोली में घोड़े की विष्ठा दे दी, घोड़े की लीक दे दी, भिक्षा तो दी नहीं, कुछ अच्छी वस्तु तो प्रदान की नहीं, और घोड़े की लीक प्रदान दे दी, विष्ठा दे दी उनको। अभी साधु बाबा जो भी दिया है लेकर वहां से चले गए, लेकिन एक समय क्या हुआ, राजा ने अपने राज्य में घूमते घूमते देखा एक बहुत बड़ा पर्वत विष्ठा का, घोड़े की लीक का पर्वत सा बना हुआ है, पास में एक आश्रम था, आश्रम के अंदर जैसे घुसे देखा साधु भजन कर रहा है, साधु से प्रश्न करने लगे, बोले बाबा आपके कुटिया के बाहर मैंने देखा बहुत बड़ा एक पहाड़ सा है, विष्ठा का पहाड़, घोड़े की लीन का पहाड़ बना हुआ है, वो कैसे हुआ? साधु कहने लगा कि महाराज आपको याद है एक समय मैं आपके दरबार में भिक्षा लेने आया था। बोले आप भिक्षा लेने आए थे? बोले हाँ महाराज, मैं जब भिक्षा लेने आया था आपने साधु की सेवा में कुछ भी वस्तु अगर प्रदान करो, धन दो, पैसा दो, वस्त्र दो, घर में कभी कमी नहीं पड़ेगी, आपने लेकिन मुझे ये सब ना देकर घोड़े की लीक दी थी,
साधु के पास में जो भी वस्तु आएगी बढ़ेगी ही। आपके राज्य में इसलिए ये विराट पर्वत है। आज तो केवल मात्र इतना ही पर्वत है, ऐसा समय आएगा आपका पूरा राज्य ये घोड़े की लीक से बच जाएगा। आपके राज्य में और कुछ रहेगा ही नहीं, सब जगह विष्टा विष्टा, केवल मात्र ये घोड़े की लीक रह जाएगी। राजा सुन के बड़े दुखी हुए। राजा प्रश्न कर रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए जिससे ये लीक खत्म हो। बोले देखो राजा, अगर कोई तुम्हारी निंदा चर्चा करे, अगर कोई तुम्हारे नाम पे चुगली करे, तो जाकर ये कम होने लग जाएगा। बोले चुगली कैसे करेंगे? बोले हमने सुना है तुम्हारे घर में जवान बेटी है। बोले हाँ महाराज, तो अपनी बेटी के साथ में अपने बगीचे में कुटिया बनाकर रहो। जवान बेटी के साथ में बाहर अकेले से अगर रहे, सारे राज्य वाले चर्चा करेंगे, निंदा करेंगे, उससे तुम्हारी सारे पाप खत्म हो जाएंगे और ये लीक भी कम होता जाएगा। अभी राजा ने ऐसा ही किया। हरे कृष्णा, सभी पर हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बच्चे बच्चे बात नहीं करना, जो बच्चा बात करेगा उसको याद नहीं करते। या थोड़ी सी बारिश हुई और सब अस्थिर हो गए। हरे कृष्ण बात नहीं करना बच्चों, भैया कहीं भैया भी वहां जा सकता है। ये बच्चों को लोग चुप कराना, ये बच्चों को लास्ट में नहीं होगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी राजा ने अपनी बेटी के साथ में बगीचे में अकेले से रहने लगा। सारे राज्य वाले चर्चा करने लग गए, निंदा करने लग गए। बोले तुमने सुना है, अरे राजा अपनी जवान बेटी के साथ में अकेला रहता है, बगीचे में रह रहा है, राजमहल में नहीं रह रहा। सारे गांव में चर्चा होने लगी, सारे राज्य में चर्चा होने लगी। जैसे जैसे लोग उसकी निंदा चुगली कर रहे थे, मुझे लीट का पहाड़ था, कम होता रहा, कम होता रहा, कम होते होते बस एक टोकरी रह गया, बस केवल एक टोकरी रह गया। अभी राजा ने देखा कि सारे लीट का पहाड़ तो कम हो गया है, लेकिन केवल मात्र एक टोकरी रह गया। राजा फिर से आए साधु के पास में। बोले साधु बाबा, आपने जैसा कहा था, मैं अपनी बेटी के साथ में रहने लगा हूँ और सारे राज्य में मेरी निंदा हो रही है, सारे राज्य में मेरी चुगली हो रही है, इसीलिए सारा पहाड़ तो कम हो गया है लेकिन एक टोकरी रह गया है। बोले देखो राजा, तुम्हारे राज्य में ना एक बूढ़ी है, वो बूढ़ी महिला बहुत भजन करती है, किसी की निंदा चुगली नहीं करती। अगर तुम उससे भी अपनी निंदा चुगली करवा लो, तब जाकर ये एक टोकरी भी खत्म हो जाएगी, नहीं तो तुमको एक टोकरी खानी पड़ेगी। ये घोड़े की रिश्ता, ये मल तुमको खाना पड़ेगा। अभी राजा तो भेष बदल के और बूढ़ी के पास में पहुंचे। बोले भैया जरा दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोला। बोले तुमने सुना है, राजा अपनी बेटी के साथ में बस इतना बोला ही था कि वो बुद्धि को क्रोधित होकर कहने लगे। बोले देख राजा, मैं सब जानती हूँ, तुम वही राजा हो ना जिसने साधु घर में आया था, उसको भिक्षा ना देकर और घोड़े की लीन दी थी। मैं लेकिन किसी की निंदा चर्चा नहीं करती, मैं किसी की चुगली नहीं करती, इसलिए मेरे से इस बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक टोकरी लीन रह गई है, वो तुमको खानी पड़ेगी। अंततः राजा ने उस विष्टा को खाया और तब जाकर उनका वो सारा लीन खत्म हुआ। इसलिए शिक्षा दे रहे हैं, देखो किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। किसी की निंदा चुगली करना अर्थात साक्षात विष्टा भोजन करना। आज यहाँ पर धर्म ने भी क्या किया, समय समय मिले तो सबके एक माला ले लेना, ठीक है, माला लेके भी भजन करना। आपने कहा तो बात है, खूब बात है भाई। मैंने कहा भजन क्यों नहीं करते, क्यों बात है? समय में बीतो, हमारे समय पर बीतो, इसलिए समय बिताना मतलब ऐसे नहीं दिन भर जिसकी चुगली करके समय बिता। समय पर तो माला ले लो, ठीक है, माला लेकर के हरि का नाम जप करना, जिससे जीवन में सुख मिले और लास्ट में प्रभु का नाम ही तुम्हारी साथ में जाए, ठीक है। इसलिए कभी भी बैठ करके जोर से ताली बजा। हरे कृष्णा। तो इसीलिए यहाँ पर धर्म ने भी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं किया,
कहता है मेरे अपने कर्मों के अनुसार ही ऐसी स्थिति नहीं है। परीक्षित महाराज ने बहुत विचार किया, बोले कलियुग को स्थान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देखा ये तो कली है, कली अर्थात कलह, जहां पर हमेशा अशांति झगड़ा ये सब रहता है, लेकिन इस कलियुग के अंदर एक विशेष गुण भी है। क्या गुण है? कलियुग के
हरि बोल हरि बोल हाथ उठा कर थोड़ा ठुमका लगा दे, ठाकुर जी कह रहे बस इसी से बेटा पार हो जाएगा। ज्यादा कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सतयुग के समान हमें यज्ञ नहीं करना पड़ेगा, त्रेता युग के समान हम लोगों को तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, द्वापर युग के समान अर्चन पूजा की जरूरत नहीं भैया। केवल मात्र ताली बजाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परीक्षित महाराज सोचने लगे इतना सहज उपाय अगर इस कलयुग में है, इस कलयुग को इन्हें स्थान देना पड़ेगा, इसे स्थान देना पड़ेगा। इसलिए चार जगहों पर स्थान दिया। ध्यान देकर सुनिए, कली कहाँ कहाँ पर निवास करता है, चार जगह कौन कौन सी है। अभ्यर्थी तथा तस्मिन् स्थानानि कले रतो कृतं पानं स्त्रियं सोनां यत्र अथर्वश्चतुर्विदः। चार जगहों पर कलि को स्थान दिया। सबसे पहला है दुतम। दुतम अर्थात जुआ नहीं खेलना चाहिए। जो लोग जुआ खेलते हैं वहां पर साक्षात कलि का निवास है। इसीलिए महाभारत देख लो, युधिष्ठिर महाराज स्वयं कहते हैं बोले आज मेरा ये जो सर्वनाश हुआ है केवल मात्र जुआ खेलकर। द्यूत क्रीड़ा, एक बार केवल मात्र द्यूत क्रीड़ा खेली थी, सारा राज्य चला गया। पांचों भाइयों को दाव पर लगा दिया, वो भी गए। पत्नी को विवस्त्र होते हुए देखना पड़ा, यहाँ तक कि 12 वर्ष तक वन वन में जा जाकर भटकना पड़ा, एक वर्ष तक अज्ञातवास रूप में रहना पड़ा, है ना। तो इतनी दुर्गति किसकी हुई, ये जो जुआ खेलने के कारण। अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलता है वो कभी भी सच नहीं बोल सकता, धर्म का प्रथम चरण सत्य वहां पर नष्ट हो जाता है। इसीलिए घर में मैंने प्राय देखा है, हम लोग कभी कभी गांव में जाते हैं, आदमी लोग बैठकर वहां पर ताश खेलना चालू करते थे, ये भी एक प्रकार का जुआ है। जो लोग सट्टेबाजी करते हैं क्रिकेट मैच में, हमने नोएडा में देखा, हमारे गुरुदेव के पास में एक परिवार आया था, कहने लगा बोले महाराज हमारे बेटे ने कल क्रिकेट मैच था ऐसा सट्टा लगाया, 6 बॉल बाकी है, सट्टा लगाया तो ऐसा लगाया हमको दिवाला कर दिया, सारे हमारे पैसे जो थे सब सट्टे में लगा दिए, कहां करोड़पति से रोडपति हो गए। इसीलिए सट्टेबाजी, जुआ खेलना, शेयर मार्केट, ये सारे जो मतलब बिना परिश्रम के बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी धन कमा ले, गलत उपाय जो करते हैं, ये सट्टेबाजी, ये साक्षात मना किया गया है। यहाँ पर कलि का निवास है, अगर कोई सत्य, अगर कोई जुआ खेले वो कभी सत्य नहीं बोल सकता, धर्म का प्रथम चरण वहां पर नष्ट हो जाता है। दूसरा पानम, पानम अर्थात कोई भी नशीली वस्तु नहीं ग्रहण करनी चाहिए, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा शराब ये सारी चीजें नहीं ग्रहण करनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर कोई ग्रहण करे तो वो कभी भी तपस्या नहीं कर सकते। इसीलिए इन सारी चीजों को ग्रहण करने से मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, वो मंत्र कभी भी स्थिर मन से बैठ ही नहीं सकता, नशा करता है ना, नशा करने से कभी भी तपस्या नहीं कर सकता, तब नष्ट हो जाता है। हमारे गुरु जी प्राय करके बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शराब पिए, देखो सावधान, घर में अगर कोई शराब पीना है ना, कहते उसके 3 लाभ है, 3 फायदे हैं। बोले फायदे, बोले हाँ 3 फायदे हैं, क्या फायदे हैं, बोले अगर कोई शराब पिएगा ना उसके घर में कभी भी चोरी नहीं होगी। दूसरा फायदा क्या है, बोले उनके बहुत सारे दोस्त बनेंगे। तीसरा फायदा क्या है, बोले वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। बोले ऐसा कैसे, बोले अगर कोई शराब पी रहा है उसके घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगी, घर का सारा पैसा गहने गाटे को बेच के और पी लेगा, शराब पीने में उड़ा देगा पैसा। अरे घर में पैसा हो तब तो फिर चोर आएगा, घर में पैसा ही नहीं है तो चोरी नहीं होगी, बहुत बढ़िया। बोले दूसरा लाभ कह रहे हो बूढ़ा नहीं होगा, बोले हाँ वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। बोले क्यों, बोले पी पी के जवान उम्र में मर जाएगा और बुढ़ापा कौन लेगा, घुटने में दर्द कमर में दर्द आंखों में कमजोरी ये सारे कष्ट भोगने करने पड़ेंगे, जवानी में ही मर जाएगा, आधी उम्र में मर जाएगा। बोले तीसरा फायदा, बोले कुत्ते बिल्ली सब उसके दोस्त बनेंगे। बोले क्यों, सड़क पे कभी पी को आके पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर मुंह पर पेशाब करके चले। इसीलिए शराब पीने वाले के 3 फायदे बताए हैं। घर में देखो सावधान, आजकल लेकिन ऐसा हो गया है ना, जो जितने बड़े बड़े पार्टीज होगी, बड़े बड़े अगर कोई लोग होंगे ना, शादी हुई,
बेटे का जन्मदिन हुआ और कुछ करो या मत करो, शराब लेनी जरूरी हो गई है ना, हुक्का जरूरी हो गया है, मांस खिलाना जरूरी हो गया है। विचार करके देखो, किसी के उद्देश्य में, कोई सत्कर्म के उद्देश्य में हमने इतने सारे जीवों की हत्या कर दी, किसी को मद पिला रहे हैं, किसी को हुक्का पिला रहे हैं, क्या उस व्यक्ति का भी कल्याण हो सकता है? कभी कल्याण नहीं होगा। शराब अगर जहां पर, अरे बड़े बड़े लोग भी ऐसा काम करेंगे, उसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी करेंगे। बड़े किसके हो गए? बहुत सारा पैसा होने से क्या कोई बड़ा हो जाता है? बहुत सारा फेमस प्रसिद्धि हो जाने से क्या कोई बड़ा हो जाता है? नहीं, भगवान बड़े हैं, भगवान के मुख से जो निश्चित वाक्य, ये शास्त्र बड़े हैं, ये शास्त्र जो कह रहे हैं उस चीज को मानेंगे, तो बड़े बड़े लोग जो कर रहे हैं वो मानेंगे, हमारे शास्त्र जो कहते हैं उसको मानेंगे। लेकिन टीवी के माध्यम से, बॉलीवुड मूवीज के माध्यम से, म्यूजिक इंडस्ट्री के माध्यम से आजकल हम क्या सीखते हैं? ये सब सीखते हैं। देखना कितने सारे बड़े बड़े गायक हैं, गाने बनाएंगे तो कैसे कैसे, बोले चार बोतल का काम मेरा रोज का है, इस तरह के आजकल गाने निकल रहे। हमारे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? ऐसे गाने सुन सुन के टीवी में अगर देखोगे, कोई बड़ी बड़ी पार्टी होगी उसके अंदर शराब जरूर होगी, छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कियां वहां पर नाच रही होगी। क्या ऐसा ही चाहते हो अपना समाज? ऐसा चाहते हो क्या सभ्य समाज के अंदर शराब, ये नंगी बात है, ये लड़कियां बात है, ये सब नहीं होता। सभ्य समाज के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति से लोग चलते हैं, इसीलिए धर्म का दूसरा चरण तपस्या, अगर कोई शराब पिए, नशीली वस्तु ग्रहण करे तो उससे ये चीज नष्ट हो जाता है। घर में अगर कोई इस तरह का काम करता हो आप लोग सुनते तो सावधान कर देना उनको, जैसे इस गलत मार्ग पे ना जाए, ठीक है। तीसरा स्थान कलि को प्रदान किया द्युतम पानम स्त्रियम, स्त्रियम अर्थात जो अवैध रूप में स्त्री और स्त्री पुरुष से और पुरुष स्त्री से मिलते हैं, जो आजकल जो चल रहा है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर, जो लिविंग रिलेशनशिप का जो कल्चर आजकल निकला है, ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। शास्त्र में इसकी बड़ी निंदा करी गई है। अरे अगर गृहस्थी करना चाहते हो अपनी पत्नी के साथ में शादीशुदा होकर और गृहस्थ जीवन पालन करो, लेकिन जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आजकल के बच्चे, जितना पहले के समय पर एक असती नारी मिलना कठिन था, पहले सब सती नारी हुआ करती थी, पहले के समय कोई असती नारी नहीं होती थी, लेकिन आज के समय पर बच्चे इतने कैरेक्टर लेस, इतने चरित्रहीन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शादी से पहले ही अनेक अनेक लड़कियां लड़कों के साथ में, अनेक अनेक लड़के लड़कियों के साथ में घूमते फिरते हैं, इसीलिए शादी के बाद में एक पत्नी के साथ रह नहीं पाते। भारत में पहले कभी भी तलाक जैसी चीजें नहीं होती थी, डिवोर्स ये सब पहले नाम ही नहीं सुना था, लेकिन आज अगर देखोगे इंडिया के अंदर भी 40% डिवोर्स केसेस हैं। क्यों है? क्योंकि हमारी संतान, हमारे बच्चे चरित्रवान नहीं है, चरित्रवान नहीं होने के कारण इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं, और शादी के बाद में एक स्त्री के साथ में एक पति के साथ में रहना अत्यंत कष्टदायक है, गुजार नहीं पाते जीवन। अगर कोई अवैध रूप में स्त्री पुरुष के साथ में मिल रहा है, उसके अंदर धर्म का तीसरा चरण पवित्रता नष्ट हो जाती है, और नर्क के पंचम स्कंद अगर पढ़कर देखोगे इतना घोर दंड बताया गया है, जो लोग शराब पीते हैं ना उनको मरने के बाद में लेकर जाते हैं नर्क में, और वो पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है, गर्म गर्म खौलता हुआ लोहा वो उनको पिलाया जाता है। भगवान ने ये मुंह दिया था उनका भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, उनका प्रसाद आस्वादन करने के लिए, लेकिन उससे तुम्हें शराब पी अब पियो, गरम गरम लोहा पिलाएंगे उससे पर बड़ा आनंद आएगा। ये शराब जो लोग पीते हैं यहाँ पीने पर भी अच्छी नहीं लगती, गड़बड़ी लगती है, और जब मरने के बाद में दुख कष्ट भोगे तब भी बढ़िया नहीं लगेगा। जो लोग अवैध रूप में स्त्री संग करते हैं उनको जोर जबरदस्ती जलती हुई एक महिला के साथ में आलिंगन करवाया जाता है, नर्क में उनके लिए अलग नर्क बनाया गया है। इसीलिए ऐसा नहीं है भैया कि बस कर लिया और खत्म हो गया। आप देखो इस जड़ जगत में भी पुलिस जब दंड देती है क्या सबको दिखाते हुए देती है? कैद करके कैदी को जैसे दंड देती है बुरी तरीके से मारती है। अगर एक एक हिसाब पुलिस स्टेशन पे पुलिस रख रही है कैदियों का, तो क्या यमराज के पास में हिसाब नहीं होगा? निश्चित रूप में हिसाब है। इसलिए पाप कर्म में कभी लिप्त नहीं होना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, अवैध रूप में स्त्री संग नहीं करना चाहिए, इससे पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण है जीव हिंसा, अर्थात मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब नहीं खाने चाहिए।
मांस, अगर किसी व्यक्ति को मारकर हम अपनी जीवा अपना पेट भर रहे हैं, ये कभी भी सत्कर्म नहीं। किसी और को कष्ट देकर हम अपना पेट भर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। किसी और को कष्ट देकर हम कभी भी सुखी भी नहीं रह सकते। भगवान ने हमको वेजिटेरियन बनाया है, मांसाहारी नहीं बनाया है, हमको शाकाहारी बनाया है। और उसी के अनुसार खाने के लिए भी बहुत सारी चीजें दी है, दूध, दही, घी, सब्जियां, फल, फूल, कितना कुछ दिया, केवल थोड़ा सा पेट खाली छोड़ दिया। और उस पेट को भरने के लिए इतना कुछ प्रदान किया है, फिर भी क्या हरी सब्जी से पेट नहीं भरता? लोग मांस खाते हैं, मुर्गी काटते हैं, बकरा काटते हैं, नहीं, ये चीज नहीं ग्रहण करनी चाहिए। विशेष करके देखो, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन, आप प्रश्न करोगे, प्याज लहसुन तो जमीन से सृष्टि होता है, प्याज लहसुन में क्या खराबी है? हमसे कोई प्रश्न करता था, बोले आप कहते हो फल खा लो, फल तो पेड़ से उगता है, सब्जियां खा लो, सब्जी जमीन से उगती है, अरे प्याज लहसुन भी तो जमीन से उगता है। हमने कहा कि देखो अफीम भी तो जमीन से उगती है, तुम क्या अफीम खाते हो? अफीम भी तो नहीं खाते ना, नशीला द्रव्य है। ऐसा नहीं कि जमीन से सृष्टि हुआ तो अच्छा ही होगा। इसकी सृष्टि पुराण में कथा आती है, पहले के समय पर, हम कल जहां गए थे कल सुना होगा उन लोगों ने, पहले के समय पर ऋषि लोग यज्ञ करते थे, और अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाए तो उस समय पर उसे मरने नहीं देते थे, उसकी उसको बलिदान देते थे यज्ञ में, और जब मंत्र पढ़ते थे वापस वो गैया जवान हो जाती थी। इसलिए एक समय पर ऋषि ने